बुधवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी एपी वर्मा द्वारा मातृ मृत्यु समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जनपद भर के अस्पताल के प्रभारी शामिल हुए। इस बैठक में प्रसव के दौरान होने वाली महिलाओं की मृत्यु को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया और इसके पीछे विभिन्न कारण और मृत्यु की दर को कैसे रोका जा सके इसको लेकर चर्चा की गई। और 9 मई को आयोजित मातृत्व दिवस में ऐसी गर्भवती महिलाएं जो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, खून की कमी आदि अन्य रोगों से ग्रसित हैं, उनके बेहतर उपचार पर भी जोर दिया गया और गर्भवती महिलाओं को गंभीर बीमारियां होने पर किस प्रकार से उनको उपचार उपलब्ध कराया जाए इसको लेकर भी चर्चा की गई। इस बैठक के संबंध में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर भूदेव द्वारा जानकारी दी गई। आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा आज जो सभी ब्लॉकों की समीक्षा की गई है जिसमें हमारे PMBY को लेकर है और जन्म मृत्यु दर को लेकर भी समीक्षा की गई है, बाढ़ को लेकर भी समीक्षा की गई है। 9 तारीख को हमारा प्रति महीने में मनाया जाता है मातृत्व दिवस मनाया जाता है जिसमें हमारी जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, जो हाई रिस्क प्रेग्नेंट लेडी हैं, उनका परीक्षण कराया जाता है जिसमें कि हमारी खून की जाँच है। इस खून की जाँच के अतिरिक्त और भी जो जाँचें हैं या जो प्रथम बार प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको टीका लगना है, उन सभी चीज़ों के कार्यों को लेकर समीक्षा की गई है और सभी संबंधित ब्लॉक MOIC को निर्देशित किया गया है कि 100% सभी का जो है जांच कराई जाए और हाई रिस्क प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको जो है आगे रेफर किया जाए। मातृ मृत्यु के तहत प्रसव के दौरान होने वाली मृत्यु को रोकने के लिए क्या कुछ? देखिए, ये दिन इसलिए मनाया जाता है जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी को। हाई रिस्क प्रेगनेंसी वो होती है जिनमें अगर किसी को एपिलेप्सी की बीमारी है, किसी को ब्लड प्रेशर है, खून की कमी है, तो उस दिन हम क्या है ब्लॉक से हमारी जो आशा है आशा आंगनबाड़ी के माध्यम से CSC पर आती हैं, वहाँ उनकी जांच होती है, फिर वो आती है तो फिर उनको आगे जिला अस्पताल में रेफर करते हैं।